बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त पाकिस्तान का पहले गर्ल्स क्रिकेट कॉलेज मर्दान में मौजूद हूँ। आज गर्ल्स कॉलेज में पासिंग आउट परेड भी है और पेरेंट्स डे भी है जो एनुअल फंक्शन है। तो इस वक्त इस कॉलेज के होनहार तलबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इनके एहसास क्या है, या इनकी ख्वाहिश थी या इनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो गर्ल्स क्रिकेट कॉलेज को ज्वाइन करें। तो हम उसकी तरफ चलते हैं, नबिया की तरफ, और नबिया से जानते हैं कि वो पाकिस्तान में कहाँ से है और इसकी क्या ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया इफ्तिखार है, मेरा ताल्लुक हाफिज़ाबाद पंजाब से है और मेरे वालिद एक हाई कोर्ट के वकील हैं। और यहाँ आने का मेरा वैसे तो कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या कहते हैं यहाँ से पहले अच्छे इंस्टीट्यूट में, इससे बेहतर मतलब कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। मेरी जो ज़िंदगी थी उसका कोई तरीका नहीं था, लाइक वक्त ज़ाया करना, और उसके लिए मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए थी। जिसके फिर मैंने क्या कहते हैं इसके हवाले से अपने कज़न्स वगैरह से मैंने GCCM के बारे में जाना, और फिर यहाँ पे आके मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने टेस्ट क्लियर किया। और वो एक फ़ख्रिया लम्हा था जब मेरे माँ बाप को मुझ पर फ़ख्र हुआ था कि हमारी बेटी एक अच्छे इदारे में जा रही है, और आज भी वो मुझ पर प्राउड फील करते हैं कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। और वो तब्दीली मुझ में एक देखते हैं जब भी मैं घर जाती हूँ, और यहाँ पर आके मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर मतलब लेके आई मैं यहाँ पर। और इंशाल्लाह यहाँ पर आके मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, और जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मतलब कि इस अदारे ने मुझे इस कदर अच्छा ट्रेन कर दिया है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे अदारे को भी मुझ पर फ़ख्र होगा और मेरे वालदैन को भी मुझ पर फ़ख्र होगा। नबिया में तो इत्तेमाद तक की सारी थे, आप क्या मुस्तकबिल में क्या किस शोबे को ज्वाइन करना चाहती हैं? मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाब है। और क्या कहते हैं इस मकसद में मेरे वालदैन भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और मेरा इंस्टीट्यूट भी मुझे इस मकसद के लिए मुझे प्रॉपर ट्रेन कर रहा है कि मैं आगे आर्मी को ज्वाइन करूँ। आपकी जो फैकल्टी स्टाफ है या जो ब्रिगेडियर साहब है वो माशाल्लाह कोशिश करे कि इस इदारे को और भी उसकी तरक्की हो, उसको परवान चढ़े, तो आप क्या कहती है इस सवाले से? आपके जो फैकल्टी स्टाफ जो हमारे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर जावेद सरवर हैं, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, वो ही इज़ आर फादरली फिगर मैन, लाइक वो हमारे बिल्कुल वालदैन की तरह हमें ट्रेन करते हैं कि जब भी हम मुश्किल में हों वो बाप बनते हैं, जब हमें कोई हमें कुछ कहीं मुश्किल आ रही हो तो वो हमारे ट्रेनर बन जाते हैं, वो हमारे कोच बन जाते हैं कि हर मोड़ पे मुश्किल हो, वक्त मतलब कि तकलीफ़ में हो, गमगीन हो, तो उन्होंने हमेशा हमारा सहारा दिया है। सच अ नाइस coming toward a small little brief, you have already seen what we are doing in the video clip. We come towards नबिया ने बात की कि इनके जो एहसास हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करेगी मुस्तकबिल में, इस तरह इनके जो दीगर कुलीग्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मलाइका हमारे साथ मौजूद है। मलाइका से जान लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला गर्ल्स कॉलेज जो है क्रिकेट कॉलेज वो ज्वाइन किया है, तो इनके क्या एहसास थे, क्या उनको उनके वालदेन ने स्ट्रेस करके भेजा है या इनकी अपनी ख्वाहिश थी, इस हवाले से हमें बताया जी। जी तो इस तरह हुआ था कि मेरा टेस्ट हुआ था और मुझे मतलब ख़ुद पे यकीन था कि इंशाल्लाह मैं पास कर लूँगी, और फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने टेस्ट पास कर लिया। और इसमें मेरे बाबा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, और उन्होंने मतलब मैं राज़ी थी, लेकिन मतलब दूसरे शहर जाने के लिए या दूसरी जगह दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो इस बात से मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब एक शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ, लेकिन उसमें मेरे बाबा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और अल्लाह का शुक्र है अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक सियालकोट से, जैनब से जान लेते हैं कि वो किस क्लास में पढ़ती है और इनकी क्या ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे आए और ये गर्ल्स क्रिकेट कॉलेज ज्वाइन करें, तो जैनब आप हमें बताएं। मैं यहाँ पे 10th में पढ़ती हूँ, और मैं हमेशा से जो क्रिकेट कॉलेज का डिसिप्लिन होता है और जो आर्मी का सारा डिसिप्लिन होता है और जिस तरह उनकी एक रूटीन होती है प्रॉपर, तो मुझे हमेशा से बहुत शौक था कि मैं खुद भी ऐसी एक रूटीन में रहूँ और मेरा सब कुछ भी इस तरह हो जैसे बॉयज़ क्रिकेट कॉलेज में होता है। तो फिर मैंने मुझे बाद में मेरे बाबा ने बताया कि एक गर्ल्स के लिए भी क्रिकेट कॉलेज है, तो फिर मैंने
यहाँ पर एंट्री टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया और मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। तो क्या मुस्तकबिल में किस शोबे को आप ज्वाइन करेंगी? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मैं इंशाल्लाह पॉलिटिशियन बनूंगी। फौज के इदारे में रह के पॉलिटिशियन ये आज़ाद नहीं है? नहीं, मैं यहाँ से बस FSC करूँगी और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स। तो क्या आपके मामा या आपके खानदान में या वालिद कोई है पॉलिटिकल जो? हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड है मेरा, इस तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे खुद इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। मैं बस ये बताना चाहिए कि मैं यहाँ से काफ़ी, मैं हाफिज़ाबाद से ताल्लुक रखती हूँ, तो वो मैं अपने मामा बाबा की एक ही बेटी हूँ और मेरे दो बड़े भाई हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो मुझे यहाँ पर भेजें, तो वो इस जब मैं यहाँ पर आई तो मुश्किल था, घर भी याद आता था, लेकिन इस इदारे ने बहुत मदद की मुझे। मैं गर्ल्स के मर्दान मौजूद हूँ और यहाँ पे दो बहनें जो गर्ल्स कॉलेज की यहाँ पे होनहार तलबात है उनसे जान लेते हैं और आपसे इसकी उसको मुतारफ़ करा देते हैं कि आप अपना तारुफ़ कीजिएगा हमारे सामीन नाज़रीन को, और आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक कहाँ से? जी, मेरा नाम मनाल इफ्तिखार है और मैं मर्दान से हूँ। मेरा नाम सदफ़ इफ्तिखार है और मैं भी मर्दान से हूँ। अभी मैं 10th क्लास में हूँ और यहाँ मैं अपने शौक़ से आई हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी कैडेट कॉलेज में था, तो फिर उनको देखे मुझे भी शौक़ हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी खाकी यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, और जो मेरा शौक़ है आर्मी में जाने का, तो वहाँ जाने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म चुनना पड़ा। तो आपको क्या सपोर्ट वालिद साहब की तरफ से ज़्यादा है या वालिदा की तरफ? दोनों तरफ से, दोनों ने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया। मुस्तकबिल में आप किस शोबे को ज्वाइन करेंगी? मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह। आप मनाहिल? जी, मैं 8th क्लास में हूँ और मैं अपनी बहन से इंस्पायर्ड हुई हूँ। जब मैंने खाकी यूनिफॉर्म में तो मुझे भी अच्छा लगता, मैं भी चाहती कि मैं भी खाकी पहनूँ और मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो आप क्या, जिस तरह मैंने पहले आपकी बहन से बात की, आपको सपोर्ट किस? नहीं, मामा बाबा दोनों सपोर्ट करते हैं। एक तो होंगे कि आप? नहीं, दोनों इक्वल सपोर्ट करते हैं। जी, आप क्या समझती है कि पाक आर्मी जो है वो मुल्क के सरहदात का महाफिज है और आप भी उसको ज्वाइन करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, उसके तहफ़ के लिए एकदम? हाँ जी, मैं चाहती कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूँ और इस तरह मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करूँ।